Asalaamu As Alaikum students. In this video, we will do the question number 7, 8, and 9 of exercise 7.3, class 6 math PTP book. So let's start with question number 7. And first, read the question carefully. And question number 7 is 12% profit on a computer is rupees 540. एक कंप्यूटर सेल किया गया है और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो ट्वेल्व परसेंट और प्रॉफिट की अमाउंट आपको बताई है कि वो है फाइव फोर्टी तो आपसे पूछा क्या गया है पार्ट वन में फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर आपने बताना है कंप्यूटर ख़रीदा कितने का गया था तो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है आपने पहले वो लिख लेनी है प्रॉफिट है जी ट्वेल्व परसेंट और प्रॉफिट की जो प्राइस है वो आपके पास फ़ाइव फोर्टी और कोस प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है तो फार्मूला पुट करेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज से पहले दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कोस प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो आपने पुट कर देनी है ट्वेल्व यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट प्राइस फाइव है वो लिखेंगे और कोस प्राइस वैसे के वैसे ही आ जाएगा और हंड्रेड आप लिखेंगे अब आपको पता है कि अगर एक साइड पर एक चीज़ डिवाइड हो रही है दूसरी जगह जाके वो मल्टीपल मल्टीप्लाई हो जाती है तो यहाँ पर कोस प्राइज जब हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो यहाँ वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये फाइव फोर्टी हंड्रेड से मल्टीप्लाई होकर फिफ्टी फोर थाउजेंड बन जाएगा अब यहाँ पे ट्वेल्व और कोर्स प्राइस मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने ट्वेल्व दूसरी साइड पे लाना है तो फिर ये ट्वेल्व जोन सा यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हुआ पहले आपने इसके साथ इसको टू के साथ कटिंग कर ली फिर आपने इसको थ्री के साथ कटिंग कर ली और फिर टू पे कटिंग कर ली तो आपके पास ये आंसर आ गया जी कोर्स प्राइस रुपीज़ फोर्टी फाइव हंड्रेड या आप सिंपली आप इसको ट्वेल्व के साथ डिवाइड कर लेंगे ट्वेल्व फोर दोटी एट्स आपके पास सिक्स बचा है आपने एक जीरो नीचे उतारा ट्वेल्व फाइव दिक्सटी और बाकी जीरो ऊपर चले गए तो आपके पास ये दोनों तरीक़ों से कोस्ट प्राइस आपके पास फोर्टी फाइव हंड्रेड आ जाएगी अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर अब आपने इसकी सेल प्राइस बतानी है कि सेल प्राइस कितनी है तो आपके पास कोस्ट प्राइस अब आ गई है कॉस्ट प्राइस है जी फोर्टी फाइव हंड्रेड प्रोफिट आपके पास पहले गिवन था फाइव फोर्टी था तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो अब यहाँ पे आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है तो ये माइनस हो रहा था कोस्ट प्राइस यहाँ पे जाके दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट और कोस्ट प्राइस को आपने प्लस किया तो फाइव थाउजेंड फोर्टी आपके पास उसकी सेल प्राइस आ गई कितने में वो सेल हुआ है अब हम इसका नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट कोस्ट प्राइस ऑफ ट्वेंटी फाइव पेयर ऑफ शूज इज रुपीज़ वन नाइन्टी एट आपके पास एक जो शूज़ की प्राइस है वो है वन नाइन्टी और ट्वेंटी फाइव जौन से हैं पियर जोन से उनकी आपने बतानी है कॉस्ट प्राइस फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ देम और जौन सा है आपने सेल प्राइस जोन सी हर एक की बतानी है वैन द रिटेलर हैड टोटल गेन ऑफ रुपीज़ टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव जबकि रिटेलर को जो फ़ायदा हुआ है वो है दो हज़ार आठ सौ पचहत्तर तो कोर्स प्राइस ईच पेयर ऑफ शू कितनी है वन नाइनटी ट्वेंटी फाइव पीयर थे तो आपने पहले सबसे पहले वन नाइनटी को ट्वेंटी फाइव के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया तो फोर थाउज़ेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी निकले जो ट्वेंटी फाइव पीयर की कोर्स प्राइस थी और प्रॉफिट आपके पास है टू थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव और सेल प्राइस आपने बतानी है कि बेचा कितने में प्रॉफिट और कोर्स प्राइस निकल आई अब आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है फार्मूला लिखना है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कोर्स प्राइस सेम फार्मूला जो आपने पहले भी यूज़ किया तो अब आपने सेल प्राइस क्योंकि फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे कोर्स प्राइस माइनस हो रही दूसरी साइड पे जाके प्लस में हो कन्वर्ट जा, हो जाएगी ये तो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ इनकी लिखी तो ये आपके पास सेल प्राइस सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आ गई लेकिन आपने एक शूज़ की बतानी है ये आपके पास निकली है ट्वेंटी फाइव शूज़ की तो आपने एक शूज़ की कैलकुलेट करने के लिए इसको ट्वेंटी फ़ाइव के साथ डिवाइड करेंगे फ़ाइव से इसकी कटिंग आपने कर दी तो एक जो आपकी सेल प्राइस निकली है एक शूज़ की वो है जी थ्री जीरो फाइव रुपीज़ आप क्वेश्चन नंबर नाइन देख लें लॉस होने मोबाइल सेट इज़ रुपीज़ फ़ोर हंड्रेड एंड सेवनटी फाइव लॉस हुआ जी एक मोबाइल सेट पे कितना हुआ जी फोर हंड्रेड एंड सेवनटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव रुपीज़ और लॉस की परसेंट कितनी थी ट्वेंटी फाइव फाइन कॉस्ट एंड सेल प्राइस ऑफ द मोबाइल सेट आपने कॉस्ट प्राइस भी बतानी है और सेल प्राइस भी बतानी है तो आपके पास जो पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपने लिख लेनी है परसेंट लॉस उन्हें मोबाइल सेट वो कितनी है ट्वेंटी फाइव परसेंट और पैसे कितने हैं उसकी प्राइस की अमाउंट कितनी है वो है जी फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ तो आपने कोस प्राइस पे बतानी है और सेल प्राइस दोनों आपने फाइंड आउट करनी है तो ये फार्मूला पहले लगाएंगे या आपने पहले पहले भी यूज़ किया हुआ फार्मूला लॉस परसेंट लॉस डिवाइडेड बाय कोस प्राइस मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड जो इन्फॉमेशन आपको गिवन है लॉस परसेंट बताई हुई है आपको लॉस की प्राइस बताई हुई है कि फोर सेवेंटी फाइव है वो आपने पुट कर लेनी है पहले भी आपको बताया है कि पर एक चीज़ जहाँ एक साइड पे अगर डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है तो यहाँ हमने कोर्स प्राइस को दूसरी साइड पे ले गए फोटी फोर सेवेंटी फाइव हंड्रेड यहाँ मल्टीप्लाई होकर फोर सेवेंटी फाइव हंड्रेड बन गया और कोर्स प्राइस अब यहाँ आएगी और ट्वेंटी फाइव आप यहाँ पर लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके डिवाइड होगा तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है आप इसको सिंपली डिवाइड कर लें तो आपके पास रुपीज़ नाइनटीन हंड्रेड आ जाएगी तो अब आप आपने इसका क्योंकि आपने बतानी है सेल प्राइस भी तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं आपने वो पुट करनी है कॉस्ट प्राइस नाइन्टीन हंड्रेड लॉस पहले ही आपको बताया था फोर सेवेंटी फ़ाइव है आपने सेल प्राइस बतानी है तो सेल प्राइस जौन सी है आप इधर जौन सा है इसको ले आएंगे यहाँ पे नाइनटीन हंड्रेड में से माइनस करेंगे फोर सेवेंटी फाइव तो सेल प्राइस आपके पास निकल गई फो वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव जौन सी है वह सेल प्राइस चूज़ के मोबाइल सेट की निकल आई